अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के इस विषय को 14 भाग में हम संपूर्ण कर चुके हैं। यदि आप इन 14 भागों का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के आप इन सभी भागों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज हम भाग 8 में कुछ संशोधन की वजह से इस भाग 8 को दोबारा से अपडेट कर रहे हैं, इसलिए इस भाग 8 के कुछ डेटाज में मिस्टेक होने की वजह से जो अशुद्धियाँ हुई थी उनको आज इस भाग में हम संशोधित कर लें। इसलिए आप इस भाग को आज अवश्य देखें कि इनमें ऐसी कौन सी अशुद्धियाँ हैं जिनके कारण आज इस भाग को अपडेट करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, भारत में राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों या मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना 1925 में हुई थी। इनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वह रक्षा कर्मियों के जो बच्चे थे उनको शिक्षा देना था। प्रथम यदि मिलिट्री स्कूल की बात करें, सैन्य स्कूल की बात करें, तो पहला जो मिलिट्री स्कूल था, सैन्य स्कूल था, वो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल था, जो कि चैल जालंधर में स्थापित किया गया था। तो चैल जालंधर में जो स्थापित मिलिट्री स्कूल था वह भारत का पहला मिलिट्री स्कूल था। इन स्कूलों की शैक्षणिक जो व्यवस्था थी उसका आधार रखा गया पब्लिक स्कूल, अर्थात पब्लिक स्कूलों के आधार पर ही इनकी शैक्षणिक व्यवस्था की गई। सन 1954 में इन सदस्यों, इन जो स्कूल थी, इनको इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस अर्थात IPSC का सदस्य बनाया गया और इनका नाम बदल करके फिर 1966 में सैन्य स्कूल कर दिया गया। अर्थात जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल थे इनका नाम पहले बार सैन्य स्कूल या मिलिट्री स्कूल रखा गया। नाम बदलने के साथ ही इनमें अब सामान्य नागरिकों को भी प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया गया। तभी इनके आदर्श वाक्य प्ले द गेम, पहले इनका आदर्श वाक्य था प्ले द गेम, खेल खेलो, इसके स्थान पर अब इनका जो आदर्श वाक्य था वो भी बदल करके शीलम परम भूषणम कर दिया गया। इनका राष्ट्रीय सैन्य स्कूल वर्तमान जो नाम है वो 25 जून 2007 को पड़ा, अर्थात इनको वास्तविक नाम, वर्तमान नाम जो मिला वह 25 जून 2007 को मिला। वर्तमान में भारत में यदि कुल कार्यरत सैन्य स्कूलों की बात करें तो कुल 5 सैन्य स्कूल भारत में कार्यरत हैं। इनमें पंजाब में चैल जालंधर में, राजस्थान के अंतर्गत 2 सैन्य स्कूल हैं अजमेर और धौलपुर में, कर्नाटका में भी 2 सैन्य स्कूल हैं बेंगलोर और बेलगाम में। इनकी यदि स्थापना के क्रम को देखें तो इनमें सर्वप्रथम जो स्थापित है वो चैल में जालंधर का है जो 1925 में स्थापित हुआ था। इसके बाद अजमेर राजस्थान में जो 1930 में स्थापित हुआ, इसके बाद बेलगाम कर्नाटका में 1945 में, बेंगलोर में 1946 में और धौलपुर में 1962 में इसकी स्थापना की गई। अब इनके प्रवेश के स्तर को देख लेते हैं। सैन्य स्कूलों में जो प्रवेश है वो 3 स्तरों पर दिया जाता है, कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 में। कक्षा 6 में यदि प्रवेश स्तर की बात करें तो इसमें अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा होती है, अर्थात पूरे भारत के स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 9 में जो प्रवेश है वो संबंधित स्कूल द्वारा ही परीक्षा आयोजित की जाती है और स्कूल स्तर पर ही दिया जाता है। कक्षा 11 में जो प्रवेश है वो विद्यालय स्तर पर ही कक्षा 10 के प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाता है, अर्थात कक्षा 11 में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। आरक्षण की बात करें तो सैन्य स्कूलों में रक्षा सेनाओं के जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों व भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 67% आरक्षण है, अधिकारियों के बच्चों के लिए 20% और सिविलियंस के लिए सामान्य नागरिकों के लिए 13% आरक्षण का प्रावधान है। इस 100% आरक्षण में कैटेगरी वाइज यदि प्रावधान आरक्षण देखें तो इनमें SC वर्ग को 15% और ST वर्ग को 7.5% आरक्षण दिया गया है।
प्रत्येक मिलिट्री स्कूल में शहीद रक्षा कार्मिकों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं, और ये कुल 10 सीट हैं जो इनके लिए रिजर्व हैं। शुल्क की यदि फीस की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 48,000 रुपये वार्षिक फीस है, जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों के लिए 7,200 रुपये, अधिकारियों के बच्चों के लिए 15,000 रुपये और सिविलियंस के लिए 24,000 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी के बच्चों को प्रत्येक वर्ग का 1/4 ही शुल्क चुकाना होता है। अब इन मिलिट्री स्कूलों के संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो रक्षा सचिव जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, उस रक्षा सचिव के अधीन केंद्रीय नियामक परिषद सीजीसी का गठन किया गया है, जो कि इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का संचालन करती है। अब हम देखते हैं सैनिक स्कूल। भारत में जो सैनिक स्कूल है उनकी स्थापना 1961 में हुई, और इनकी स्थापना के लिए वी के कृष्णा मेनन, जो उस समय तात्कालिक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इनकी स्थापना के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्हीं के प्रयासों से इनकी स्थापना हुई। सैनिक स्कूलों की जो स्थापना है वह सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा की गई, और इन स्कूलों का प्रबंधन भी जय सैनिक स्कूल सोसाइटी ही करती है। सैनिक स्कूल जो सोसाइटी है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसके अधीन यह एक संगठन है। सैनिक जो स्कूल थे इनके जो गठन किया गया, उनके संगठन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सेना में क्षेत्रीय एवं जातिगत संतुलन को बनाए रखना। एनडीए अर्थात राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है और आईएनए राष्ट्रीय नौसेना जो अकादमी है, इसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करना भी सैनिक स्कूलों का उद्देश्य है। देश में सैनिक स्कूल जो है वो संबंधित राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। सैनिक स्कूल भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत ही संचालित है। यहाँ यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश एकमात्र सैनिक स्कूल है जो कि राज्य सरकार के अधीन ही संपूर्ण रूप से संचालित है। देश का सबसे पहले स्थापित यदि सैनिक स्कूल देखें तो वो सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था, जो कि 23 जून 1961 में खोला गया था। यह देश का पहला सैनिक स्कूल था। सबसे नए सैनिक स्कूल की बात करें तो वो 13 दिसंबर 2012 में स्थापित किया गया झुंझुनू राजस्थान में। राजस्थान में जो सैनिक स्कूल है उनमें से पहला जो सैनिक स्कूल वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था 7 अगस्त 1961 में। इसके स्थापक और पहले प्रिंसिपल जो रहे वो थे ब्रिगेडियर सिंगटा मेनन, उन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना हो पाई थी। इसमें प्रवेश का जो माध्यम है वो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ही है। यहाँ अध्ययनरत जो छात्र हैं वो कैडेट कहलाते हैं, और यहाँ अध्ययनरत सभी छात्रों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद में एनसीसी का भी प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो सेना के कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर पोस्ट का होता है। हेडमास्टर जो होता है वो मेजर्स के समकक्ष रैंक का अधिकारी होता है, और रजिस्ट्रार होता है वो मेजर या कैप्टन रैंक का अधिकारी होता है। अब हम देख लेते हैं पब्लिक स्कूलों की विषय में। भारत में जो पब्लिक स्कूलें हैं वो अंग्रेजों की देन है, इंग्लैंड की देन है। पहला पब्लिक स्कूल लॉरेंस पब्लिक स्कूल था, जो कि सनावर शिमला में 1927 में खोला गया था। इंडियन पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जिसका संगठन 1928 में किया गया, और इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस, जिसका गठन 1939 में किया गया, ये पब्लिक स्कूलों के स्थापना के क्रम में एक आधारभूत कड़ी का काम करने वाली संस्थाएं थी। वर्तमान में यद्यपि कोई भी विद्यालय पब्लिक स्कूल के आधार पर चलाया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से उसे ही पब्लिक स्कूल माना जाएगा जब वह इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का सदस्य बनेगा। राजस्थान में स्थित जो पब्लिक स्कूल है वह है मेयो कॉलेज, ध्यान देना, मेयो कॉलेज राजस्थान में स्थित पब्लिक स्कूल है। भारत में प्रबंध की दृष्टि से जो पब्लिक स्कूल है इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पुराने स्कूल जो कि निजी संरक्षण में चलते थे, दूसरे थे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल। भारत में
पब्लिक स्कूलों की यदि हम स्पेशलाइजेशन देखें, विशेषताएं देखें, तो उनमें आवासीय व्यवस्था होती है, खर्चीली शिक्षा है, इनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इनका संचालन स्वतंत्र होता है। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं पब्लिक स्कूलों की। मॉडल स्कूल, पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूल योजना के तहत इन ज्ञानोदय स्कूलों को स्थापित किया गया। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने इस योजना को 2010 में प्रारंभ किया और ये सार्वजनिक निजी सहभागिता अर्थात पीपीपी मॉडल के आधार पर इनको खोला गया। राजस्थान में विशेष रूप से उदयपुर और अजमेर संभाग के 10 जिले हैं, पिछड़े ब्लॉक हैं, जिनमें इनको प्रारंभ किया गया। कुल ज्ञानोदय विद्यालय 50 खोले जाएंगे 50 पिछड़े ब्लॉकों में और यहाँ पढ़ने वाले आम बच्चों की फीस का पुनर्भरण भी राज्य सरकार के स्तर पर ही किया जाएगा। इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल, इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल जो इनकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो भारतीय सेना के कार्मिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था। ये भारत की सभी जो कैंट्स थी, छावनियां थी, सैनिक छावनियां, वहां पर इनकी स्थापना की गई। ऐसी कुल 137 इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल वर्तमान में भारत में संचालित हैं। इन विद्यालयों का जो प्रबंधन है वो AWES अर्थात आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी करती है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इनका संचालन सेनाओं की कमानों के द्वारा किया जाता है। देश का एकमात्र फ्लैगशिप आर्मी स्कूल की यदि हम बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो यह फ्लैगशिप आर्मी स्कूल धोला कुआं नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार आज हमने भाग 8 में 8 को अपडेट किया है। यदि आप इसी प्रकार संपूर्ण अपडेट से या व्याख्याता परीक्षा संबंधित विषय वस्तु से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे ज्ञानधारा आर सोनी चैनल को। नमस्कार।